हेलो फ्रेंड्स, शुभजीत मौलिक ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी F62 का। हालांकि ये अनबॉक्सिंग तो हो गया है, ये मुझे 24,000 रुपये का पड़ा है। देखिए, आप इसके प्राइस भी देख सकते हैं, 31,999 रुपीज़। 1 एडाप्टर, 1 केबल, 1 मैनुअल, 1 इजेक्टर पिन, 1 मोबाइल। इसके साथ दोस्तों आपको बैक कवर नहीं मिलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हेडफोन भी नहीं है। अच्छा, अनबॉक्सिंग तो हो गया है, आपको लुक से दे देती हूँ। ये रहा फ़ोन, इसका वेरिएंट है 8GB 128GB। ये रहा फ़ोन निकल रहा है दोस्तों, फ़ोन को करते हैं साइड में। यह है टाइप सी, दोनों ही दिख में आपको टाइप सी पोर्ट से मिलेगा। ये 25 वाट का फास्ट चार्जर, एडाप्टर फास्ट चार्जर, USB नहीं है, टाइप सी में आता है 25 वाट का। इसके साथ देखते हैं कवर में क्या मिलते हैं। ये रहा सिम इजेक्टर पिन, कुछ डॉक्यूमेंटेशन, पेपर गाइड, ऐसे ही कुछ मिलते हैं इसके साथ, और तो कुछ नहीं है फिलहाल। अब अंदर है, अंदर एक वारंटी कार्ड है, इसे रखते हैं हम साइड में। अब दिखाते हैं फ़ोन के बारे में। आइए फ़ोन को पैकेट से रैप करके निकलते हैं। ये रहा फ़ोन, ये 8GB 128GB के साथ आएगा। 64855 का लेंस है, इसमें सोनी का IMX682 सेंसर दिया गया है। आइए फ़ोन को बूट करके देखते हैं। जब तक बूट हो जाने देते हैं तब तक फ़ोन के बारे में कुछ और चीज़ आपको बता देते हैं। दोस्तों फ़ोन को रखते हैं साइड में। इसमें इस फ़ोन में 3 कलर मिलेगा, एक है लेज़र ब्लू, एक है लेज़र ग्रीन, एक है लेज़र ग्रे। इसमें 8GB रैम के साथ 128GB रोम है, एक्सपेंडेबल 1TB। 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 64+12+5+5 MP कैमरा है। फ्रंट में 32 MP का कैमरा दिया गया है। इस फोन में सबसे खासियत यह है, इसमें 7000 mAh का बैटरी मिलता है। इसमें एक्जिनॉस 9825 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 7 नैनोमीटर पर बेस है, जो फ्लैगशिप फ़ोन में यूज़ करके गया था नोट 10 में। ये फ़ोन को आपको दिखाते हैं, मेरा फ़ोन देखते कौन से इस पर रन कर रहा है। है एंड्रॉयड 11 आउट ऑफ द बॉक्स, लेटेस्ट सिक्योरिटी के साथ आती है। इसमें एक बात का चिंता थी, एफ सीरीज नया सीरीज है, इसमें नॉक्स का फुल प्रोटेक्शन दिया गया है। इसमें NFC भी है, डॉल्बी साउंड है, स्मार्ट व्यू है। आपके पास सैमसंग का स्मार्ट टीवी होगा तो इसके साथ चला सकते हैं। बिग्स भी दिए गए हैं फ़ोन में, पुराना बात सिक्योर फोल्डर सबसे मेन बात जो है। ये रहा सिक्योर फोल्डर, वेलकम टू सिक्योर फोल्डर, इसे आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको कीप कर देती हूँ। भाई इसका कैमरा सैंपल देख लेते हैं। इस फोन में आपको बहुत सारे कैमरा मोड मिलेगा, KR Doodle मिलेगा, प्रो मोड, पैनोरामा, फोटो मोड, नाइट मोड, मैक्रो, पोर्ट्रेट मोड, पोर्ट्रेट वीडियो मोड भी मिलेगा आपको, प्रो वीडियो मोड मिलेगा, सुपर स्लो मोशन, सुपर मोशन, हाइपर लैप्स भी मिलेगा। तेरा वीडियो फीचर्स, तेरा फोटो, सिंगल टेक का फीचर्स दिया गया है। सिंगल टेक में दोस्तों इसके साथ 14 एक साथ 4 वीडियो 10 फोटो को एक साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखते हैं इसका स्टोरेज कितना है, 128GB, 24GB यूज़ कर, 24GB आपको फोकस में थोड़ा दिक्कत हो गई है। 24.4GB इसके साथ यूज़ करती है, इस पर कोई HD कार्ड नहीं है, 1TB तक सपोर्ट करती है। सिक्योरिटी के मामले में आपको सब कुछ मिलेगा इसमें, फिंगरप्रिंट, फेस रिकॉग्निशन, स्वाइप, सब कुछ मिलेगा। F62 में सबसे बढ़िया खास बात है, M-Series के M51 जैसा होने से भी कोई इसे M-Series नहीं बोलेगा। M-Series का तो मोटा ही है थोड़ा,
इस फ़ोन का वेट है 220 ग्राम्स। हालांकि इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इसमें साइड फिंगरप्रिंट माउंटेड मिलते हैं, ये रहा फिंगरप्रिंट, वॉल्यूम रखा, स्पीकर, नॉइस कैंसिलेशन माइक, टाइप सी पोर्ट, 3.5 mm जैक, ऊपर की तरफ भी एक नॉइस कैंसिलेशन माइक मिलता है। इसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट दिए गए हैं जो कि अच्छी बात है, वो मैं आपको नहीं हटा के खोल के देख सकता, बाद में ही खुलेंगे। ये रहा फ़ोन। हाँ, इसमें एक चीज़ मुझे बुरी लगी, जो फ़ोन का जो फीचर्स है, एक गूगल का मैसेज दिया गया है, सैमसंग का खुद का नहीं है, ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी। सैमसंग के मोबाइल में भी कुछ अनइंस्टॉल ऐप आए हैं, जैसे देखिए डेली हंट, फोन पे, स्नैपचैट, शेयर चैट, ये सैमसंग का खुद का है, ये ठीक है, लेकिन ये देने का, इसे आप हालांकि देख सकते हैं, हाँ अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, दिखते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं, डेली हंट, हाँ ये भी कर सकते हैं। ये फ़ोन मैंने परचेज़ किया है रिलायंस डिजिटल स्टोर से, रिलायंस डिजिटल का जो ऑफलाइन स्टोर है उसी से परचेज़ किया, हालांकि ये फ़ोन मेरा नहीं है, किसी और का है, इसका फ़ोन लेके मैं अनबॉक्सिंग दे रही हूँ। इसमें आप दोस्तों 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ्रंट से भी और रियर कैमरा से भी, और इसका जो एंटीटो बेंचमार्क स्कोर है वो 300,000 के ऊपर है। हालांकि मैं टेस्ट करके तो नहीं देख पाया एंटीटो बेंचमार्क, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर से व्यू मिला है 300,000 के ऊपर है, बहुत ही अच्छा फ़ोन है, तगड़ा फ़ोन है। 8 GB RAM 128 GB, इसका एक बेस वेरियंट है 6 GB RAM 128 GB है, उसके पास इससे थोड़ा कम है। फिलहाल तो दोस्तों वीडियो में इतना है, और कुछ फीचर्स रह गए तो मुझे कमेंट करके बताना। इसका फ्लिपकार्ट में जो दिया गया इसका एंटीटू GPU को 173,903, और इसका एंटीटू 8 CPU को 132,299। सबसे बड़ी बात है इसमें जो प्रोसेसर जो यूज़ किया गया है वो एक्सिनस 9825 है, जो 7 nm पर बेस्ड है। हालांकि भाई ये 4G फोन है, डुअल 4G वोल्ट मिलता है इसके साथ, माली GP 7000 mAh की बैटरी है, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ आती है, 512 में जो कैमरा दी गई है। आपको इसमें नॉक्स सिक्योरिटी का फुल फ्लैश्ड वर्जन मिलता है, जो AC इसको भी देख के नाम चेंज करके किया गया है, और डिज़ाइन में थोड़ा चेंजेस है, पूरा ही AC जैसे ही है, AC से कोई कम नहीं। और इसका कैमरा बम्प जो है वो थोड़ा कम है, ये मुझे अच्छा लगा, न्यू मॉडल का कैमरा है। ये फ़ोन में देख लेते हैं डिस्प्ले का फुल ब्राइटनेस, डिस्प्ले का फुल ब्राइटनेस। हाँ, हालांकि इसमें वोडाफोन का सिम लगा के एक बार टेस्ट करके गया था, इसीलिए ये वाला मैसेज दिख रहा है आपको। ये फुल कैमरा ऑन करके देखते हैं, ये वाला फुल कैमरा मोड। सैमसंग का डिस्प्ले में बहुत खासियत है, इसमें 3 फीचर्स दिए गए हैं, 10x तक आप जूम कर सकते हैं, मैं अपना पावर एडाप्टर रख के दिखा हूँ, 1x तक इतना होता है, 2x तक भी है, लेकिन 4x तक है, 10x तक, देखिए कितना जूम है। ये फ्लैगशिप सीरीज के तरफ 3 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, इसके साथ हम वाईफाई लगा के आपको दिखाते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो फ़ोन के बारे में जान सके। इसके साथ दोस्तों को गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है, तो भी आप ग्लास लगा लेना। देखिए ध्यान से मैं ग्लास को लगा दिया है, हालांकि वो ठीक तरह से सेट नहीं कर पाया, थोड़ा यहाँ है फ़ोन का साइज इतना बड़ा है, देखते हैं इसके 4K वीडियो चलता है नहीं, ऑस्ट्रेलिया का 4K सपोर्ट करते हैं नहीं। जी हाँ दोस्तों, इस फ़ोन में आपको
फुल एचडी एचडीआर में वीडियो चलता है। ये देखिए वीडियो जो है एचडीआर में है, देखिए एचडीआर को सपोर्ट करता है। अब 1080p तक ही मिलेगा आपको, एचडीआर सपोर्ट करते हैं। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये बात। आइए फ़ोन का फ्रंट कैमरा देखते हो, इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा दी गई है। ये देखिए दोस्तों 32। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ सैमसंग ने अपडेट भी रोल आउट कर दिया है। देखते हैं क्या अपडेट है। आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं। मुझे तो लगता है अपडेट होना शुरू भी हो गया है। मैं आपको स्लो करके दिखा रहा हूँ। अपडेट का फाइल है 1 अप्रैल 2021 का सिक्योरिटी पैच मिला है आपको। 900 180 MB सॉफ्टवेयर अपडेट है। सैमसंग ने बोल दिया है आपको 3 साल तक एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा, 4 साल तक आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा, ताकि आप फोन से ज़्यादातर यूज़ कर पाए। मुझे तो ये लगता है जो एसीएस का फोन है उसी को नाम से चेंज करके, थोड़ा बहुत डिजाइन चेंज करके एसीएस कर दिया गया है। एसीएस और एसीएस में कोई दिक्कत नहीं, अंतर नहीं है, सॉरी अंतर नहीं है। हाँ दोस्तों, वीडियो के लास्ट में एक बात आपको बताना भूल गया था। इसमें जो सिक्योरिटी अपडेट दिए गए थे 1 दिसंबर 2020 को, फोन निकला है फेब्रुअरी मंथ में, लेकिन अपडेट जो है 1 दिसंबर 2020 का। उसके बाद अपडेट आया होगा सर, मैं तो अभी खरीदा हूँ, जो लेटेस्ट अपडेट है वही कल आपको दिखाऊंगा। ये मैंने एक बात बोलना भूल गया था, इसलिए वीडियो के लास्ट में ये बात मेंशन कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट, चैनल को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखने के लिए आपको धन्यवाद। पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये सेकंड फोन मेरे चैनल पर अनबॉक्सिंग हो रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।